Join Farah in Bonkers. हमें आज एक ढाबे में जाना है। ओ भाई साहब क्या आ रही हो? देख गिलास धो रहे हैं। मैं से पूछ में क्या? मेरा फुल एंड जस्ट हैंड ऑफ बास्टर्ड्स। ओ देख गिलास यो। जाइए ना उल्टे ले जा नहीं तो तेरा। ले। You can just convince anyone to come in. Excuse me. हमारे डिस्काउंट चल रहा है सोना प्लाजा में फाइनल। ये कौन सा ब्रांड है? बर्बेरी। उसने मेरा प्रोडक्ट खराब किया। I have a cousin, okay, who used to, you know, molest, in a way. मतलब unwanted touch जैसा होता है ना, वो करता था ये सब. मैं थी यार 8-9 साल की थी. Something's happening in this ghar mein. I have got a gift for you guys. You're gonna like me. You're gonna love me. Huh. Join Farah, go in bonkers. मुझे तो अपनी ठंड नहीं लगी कि मैं किसी के चिपक के हो गया काम. Bye. ओहो कहाँ जा रहे हैं हाथ? ओहो ओहो है फरा हाथों पे भी ठंड लग रही है. आगे 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 ले आ ले आ, आगे आके हाय बोल दे. कोई बात नहीं भाई, सुबह रात वर्कआउट करता है बाहर लॉन में खड़ा होके मार्शल आर्ट्स. कट निकल गए भाई के हैं? है भाई के कट निकल रहे हैं. कैसे करेगा? हाँ भाई मैं तभी सोची तू प्रोटीन के लिए रो क्यों रहा था इतने दिनों से. सभी जो सही सोचा. ऑब्वियसली बाहर तू वहाँ मार्शल आर्ट्स करेगा, इतना वर्कआउट करेगा, सुबह सुबह योगा करेगा, है ना? समझ रहा है? जो चाहिए तुझे मुझे निकालना टीवी के लिए वो नहीं निकलेगा क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है भाई, समझ रहा है? अब हमारा नेक्स्ट जो मिशन था वो था एक तरीके से ग्रुप टास्क था. रीजेंडर्ड लड़कियां और रीजेंडर्ड लड़के, हाँ, दोनों ग्रुप्स को अलग अलग जगह पे जाना था. हमें आज एक ढाबे में जाना है और वेटर या जो भी है कुकिंग जो भी काम करना है, जो लोग आएंगे जो हमें बोलेंगे भाई ले आ ले आ, क्योंकि अब ढाबे में हम लोग तो सुनना पड़ेगा. मुझे गड़बड़ लग रहा है कि जैसे जैकी ने बोला था कि वो कुछ उसने मेरे साथ प्रैंक करी है मेरे बालों की, क्योंकि जब भी मैं शैम्पू करती हूँ अजीब से हो जाते हैं बाल. मुझे डेफिनेटली लगता है कि मेरे बालों पे प्रैंक हुई है. लड़कियों, औरतों, हम आपके लिए अंदर पहनने वाले वस्तु छोड़ जा रहे हैं. हमारे आने के पहले उन्हें धोकर सुखा देना, तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे घर के मर्द. ये कोई धोवे की जरूरत है ना? है, चलो काम पे चलो लॉन्डो. चलो चलो चलो, चलो. विशाल का है? विशाल का है? Okay. विशाल का है? दाढ़ी अच्छी लग रही है यार. या तुम लोग लिविंग रूम में आओ ना पहले. I think जो फर्स्ट डे तुम्हारा मेकओवर का लुक आया था ना, जो फर्स्ट ट्रायल लिया था हमने, फर्स्ट डे अभी यहाँ आके फर्स्ट डे हुआ था, उसके बाद जो अभी तुम मेकओवर फर्स्ट टास्क पे गए थे दैट वाज डिफरेंट, बट दिस इज लाइक मोर कन्विंसिंग. उसका तो बैन, इसका तो बैन कोई बोल नहीं सकता. सरदार लग रही है. चलो बाय. मुझे नहीं लगता कि आदमियों का काम करना बहुत आसान है, उनके अपने चैलेंजेस हैं. आई हैव सीन माई हस्बैंड ऑल्सो डूइंग दिस, तो हैट्स ऑफ टू हिम. वहाँ पर जाते ही एंटर करते ही उन्होंने नाम पूछे तीनों के और फिर उन्होंने एक एक करके सबको लगाया. फरहान अंदर जा, ऑर्डर काम ले. आपका लग सब मूली प्याज पानी वानी भरवाओ इससे. कीर्ति तो वॉज शी सेड के यार मेरे को बस बर्तन धोने को ना मिलो.
बर्तन दो। साबुन कहाँ है भाई? साबुन? साबुन साबुन में डाल रखी है। ये साबुन है? हाँ इसी में डाल रखी है। ऐसा नहीं बर्तन धोते यार, साबुन तो दे, साबुन से धोऊंगा ना, सबको झूठे बर्तन थोड़ी दूंगा। पूछ के आप बॉस से, साबुन तो दे। इसको इसमें डाल रखा है, एक एक करके दो इसी में, फ्रिज में डाल, फ्रिज से निकाल के वो तो ठीक है सर, मैं समझ गया, झूठा बर्तन है ना, इसमें डाला भी है तो झूठा है। एक कपड़ा, एक कपड़ा दे दो और साबुन दे दो। साबुन, साबुन नहीं होती, इसी में निर्मा डाल लेते हैं हम। आप फिर धो के तो देखो। वो देखकर ही उल्टी आ रही थी कि जो जिस जैसे वो बर्तन वो बोल रहे थे धोने के लिए, साबुन तक नहीं था, बस ऐसे ही डाल पानी में, इधर से निकाल दो, और गंदा पानी। लक्षित, लक्षित चाय दे क्या? कितनी देख के आनी है? दो। लीलू तू स्टाफ लेन निकट जी, सही है। ऑर्डर ले इनका, प्लेट को यहाँ पे रख दे। सबसे टफ जॉब आई थिंक वेटर का ही है, क्योंकि उसको जाना है हर एक के पास में, उसको सबका ऑर्डर ध्यान रखना, उसको पूरा मेन्यू याद रखना होता है। दाल कड़ी पालक सेब टमाटर सेब भाजी आलू मटर शाही पनीर। बोलो भाई क्या लोगे? पता दाल लगा दे भाई। चना मसाला मटर मसाला मटर मसाला पनीर मटर पनीर मटर पनीर। जल्दी जल्दी चलो, दोनों पैरों से, एक पैरों से मत चलो। लड़कियों से अच्छी तरीके से बात होती है, जबकि लड़कों से नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर एक्चुअली समझ में आ रहा था कि इट्स नॉट इजी टू बी अ गाय। जल्दी जल्दी धोवे। जब मैं उनके ओनर से मिली पहले तो वो ठीक था, उसके बाद जब वो चिल्लाने लगा, मतलब हम मतलब इतना ज्यादा चिल्ला रहा था, जल्दी कर बर्तन से धोए नहीं जा रहे। एक प्लेट नहीं सारी निकाल जितनी है, फटाफट निकालो। हम लिविंग रूम में गए, वी सी द लॉन्ड्री बास्केट, आई नेवर न्यू चिक्स वर सो डर्टी बे, एंड उसके ऊपर नोट लिखा हुआ कि उनका लॉन्ड्री हमें धोना है। टॉयलेट टिश्यू रखो यार इनके रूम में, ब्लडी। ये क्या है सब फालतू गिरी? व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? दिखा इधर, हैंड सैनिटाइजर कहाँ है? हम लोग अपने अंडरगारमेंट्स खुद अपने धोते हैं। इससे इससे कुछ है गंदा यहाँ, बहुत बास मार। ओए हाय, ये सड़ी हुई किसकी है? रुक एक, ओ है जॉय को बुला यार। गिरी यार भाई, यहाँ स्टिंक कर रही है, खड़ा हो, यू हैव द स्टिंक। ओ अरे हस्बैंड वाइफ को देता है वो लोग, पर्सनल मैटर है। पैर मार, विशाल पैर मार के बाहर कर इसको, ये हम लोग का हस्बैंड थोड़ी है। इन लोग ने आज से कुछ काम किया है यानी, तो मैंने भी सोचा एज यूजुअली कंडीशन पुट करते हैं, तो मेरे दिमाग पे साथ साथ यू नो थोड़ा लिखना उखना पसंद है, तो मैंने उसमें उसमें बैठे बैठे लिख दिया। हम क्यों तुम्हारे चड्डी धोए जब तुम हमारे साथ ना सोए। सही सही सही। ये देखो मैंने मेरा जवाब लिख दिया है, आप लोग देख लो। प्रिय बड़े सुंदर अंडरगारमेंट्स दिए, पर ये सब धुलेंगे तभी जब काम करोगे तुम सभी। शिफ्ट करो फर्नीचर और उतारो पर्दे, कपड़े धुल के हो जाएंगे साफ और कड़के। आप लोगों का पकौड़ी। प्यार में केयरिंग हवस के साथ अगर तुम ऐड कर दो, केयरिंग और कंफर्ट ये सब ऐड कर दो। सबका अपना अपना डेफिनेशन है, मेरा अलग डेफिनेशन। मार क्या डेफिनेशन है प्यार का बका? ये पहला प्यार था मेरा, तो मेरा क्या था कि तुमने क्या किया उसके साथ? किसिंग की? हाँ। किस हुआ? हाँ स्मूच हुआ, किस किया एकदम, किस ने स्मूच। उसको सेकंड बेस किया उसके? नेकेड नहीं किया कभी उसको मैंने। ओके तो तुम इसके बाद वो सब किए हो, किस किए हो तुम? उसको प्यार नहीं था तेरे से? लास्ट में तो यही कहा, वी आर वेरी गुड फ्रेंड, नहीं तो लड़की में जल जाता। उसके बाद फ्रेंड को उसके पास भेजा कि उससे बात कर, पूछ मुझसे प्यार करती है कि या ऐसे मुझे जलाने के लिए बोल रही है मजाक। उन लोगों को भी डिप्लोमेटिक आंसर देती थी, नहीं विशाल अच्छा लगता है, वो है ये है वो है, मैं थोड़ी कन्फ्यूज हूँ वो। मैं दोस्तों को बोल रहा हूँ टीचर कन्फ्यूज है ना थोड़ा, अभी भी मैं फिर टाइम देता हूँ। फिर लास्ट में मैं फेडअप हो गया यार,
उसने इसको हार जैसा ले लिया, ईगो पे ले लिया। विशाल में थोड़ा ईगो है जो कि हर बंदे में होता है, तो ईगो पे ले लिया था। सो उन्होंने मुझे शेयर किया, सो विच इज़ गुड एक्चुअली, ही ओपन अप। लेकिन उसको मैंने बोला कि यू नो समटाइम्स लड़की होके भी सोच के देखो, क्योंकि लड़कियाँ कभी कभी फीलिंग चेंज करती है। नीचे से एक प्लेट निकालो, एक इसको ऐसे रखो, ऐसे निकाल दो, यहाँ पे दो रोटी रख दो, हाँ डालो डालो, इसको ऐसे करो, फ्राई करो, हरा धनिया डालो, हरा धनिया डालो, कपड़ा मार यहाँ पे, अरे गिलास उठाओ। अब फिर वहां पर फिर ऐसे दो लौंडे आए, जाट, टिपिकल ठेठ जाट जो होते हैं, और उनका ऑर्डर लिया। शाही पनीर, हाँ, आलू मटर, हाँ, एक तो लिया शाही पनीर, तू क्या खाओ? दाल, दाल, एक शाही पनीर, एक दाल फ्राई, जल्दी ले क्या? अरे देख गिलास धुरे वहाँ पे, देख। ओ भाई साहब क्या है यार यो? देख गिलास धुरे ये। वहाँ एक्चुअली समझ में आ रहा था कि यार लड़की होने के एडवांटेजेस हैं, क्योंकि अगर आप लड़की हो गए तो आपसे कोई इस जबान में बात नहीं करेगा, लेकिन आप लड़के हो तो आपको सब लठ मार के बात करते हैं आपसे। So it was like that. ठीक है ना? इसको दुआ के लिए क्या? उससे वहाँ से, उसको देखा वो दुआएगा। दो तो दिया? दो इस साइड से दो। मैं ना फुल लग जूस। The head of bastards. बड़ा बड़ चल। बाहर आ जा भाई। अंदर चल। बोलदार इसको बता। उसके बाद उन्होंने मुझे किचन में भेज दिया। तो मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा थैंक गॉड चेंज हो गया कि किचन में चली गई। लड़कियों के खर्चे क्यों इतने अब समझ में आता है? कहाँ कहाँ मेकअप करती हैं लोग, हाथ पांव मुंह नाक होंठ दांत, चले मर्द कितने कमाएंगे पैसे, आधी कमाई देंगे मेकअप में खर्च हो जाते हैं, इतने में तो महीने भर का राशन आ जाएगा हमारे यहाँ, इतना मेकअप में खर्चा करती हैं। ये मेरे खूबसूरत हाथ, ये मेरे बदसूरत हाथ, आई लव दिस, हर दिस 20 दिन बाद में हरकत है, लड़की ऐसी ना हो जाए घर जाके। ये मेरा तीसरा टास्क होगा रीजेंडर्ड होने के बाद, जिसमें मैं जा रही हूँ एक आज लॉन्ड्री स्टोर, और मैं सेल्समैन बनने वाली हूँ, और मेरे साथ मेरे दो अलग मेरे दो दोस्त भी रहेंगे जो वैशाली और जैकलीन। सो जूही, वैशाली और जैकलीन आज बेचेंगे लॉन्जरी। मेरा, जोई और विशाल का आज पहला ग्रुप टास्क, और वो भी लॉन्जरी स्टोर पे। मॉल तक पहुँचे पहुँचे फिर मैं दिमाग ख़राब हो रहा था कि यार क्या लॉन्जरी बेचूँ नहीं बेचूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा टेंस हो रहा था, मैं थोड़ी घबराहट हो रही थी। Okay, so this is my store and by the name Sona Plaza. So we have this collection. This is the range we have. Girls, are you ready? Okay. Yeah. And कोई भी आता है, so don't forget to convince them, okay? वहाँ के सुन क्या हो रहा है, देख होटल लेके आया तू, वो शिकायत आ रही वहाँ से। खाके देख यार, एक चम्मच खाके देख, चेक कर, ये वो चेक कर। कैसी बोली थी मैंने? नमक मिर्च किसी कही थी? हल्की। हाँ, अरे वो गरम है यो, अकल रात का खाना खिलान लाग रहे हो, मारते हैं। लाता हूँ मैं, गरम लाता। मुझे चुप रहना पड़ रहा था उस वक्त, लेकिन मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा था। ये सारी रोटी जला दी, इस रोटी को ये बता कौन ग्राहक खाएगा? है भाई, कौन खाएगा इसको? सेक रहा भाई। तो सेक रहा तो क्या सेकेगा, ऐसे जला जला के सेकेगा, कौन खाएगा मेरे को ये बता? तेरे को दे रोटी खाएगा?
उनको बहुत दिनों शाही पनीर नहीं है और कोई ऑर्डर नहीं दो भाई। मैनेजर साहब शाही पनीर खत्म हो गया है, शाही पनीर खत्म हो गया है, ब्याह मारे यार है शाही पनीर तो भाई खत्म हो गया। अब आपको मिलेगी सेव टमाटर, सेव भाजी, मकड़े का बात बता, हम पागल तो नहीं बना रहे हो? एक घंटा हो गया शाही पनीर की बाट देखते ही हम खत्म हो गए। के खोल रखा है तूने डब्बा? ऑर्डर दिया भाई मैंने, नु गई मगा शाही पनीर ला दे ठीक से। एक घंटे पहला तुमने कही थी ना, पता ही नहीं इसको, ये पता क्या था, कही थी ना शाही पनीर है लाओ थे ना, और इबे घंटा में यहां बैठ लिए तुम लोगो शाही पनीर खत्म हो गई। आई वांटेड टू वॉक आउट एट दैट टाइम आई डिडंट। जी जो था वो ठंडा हो गया, ले जाना पड़ा वापस। तो वो एक ही प्लेट थी तुम्हारे पास, औरों को भी दे दिया ना, और वे हमारे बाद में आए, ये हम पहला गया रे अड़े। अरे यो उरे ना उरे ने यो देख गिलास यो पकड़ पकड़ साइड से पकड़ साइड से पकड़ पूरा पकड़ नू पकड़ छोड़ी बे आ देख अपने नू पिया करे लच्छी ने मैं लड़की होती उस टाइम पे तो मैं एक्चुअली थप्पड़ मार देती, मैं वो ग्लास फेंक कर ही मारती उसके मुंह पे। अगर मैं लड़की होकर ऐसा कोई जॉब कर रही होती और वहां पर अगर इस तरह की कोई गलती होती, मुझे नहीं लगता कि इतनी बदतमीजी से कोई ट्रीट करता। जाई वो लिया लगता लिया एक उसकी तरफ जो टेढ़ी नजर करके देखा था ना, वो मैंने पर्पसफुली देखा था सो दैट उसको पता लगे कि तू गलत है और मुझे बुरा लगा है। आई वॉन्टेड हिम टू नो दैट। पूरी आग एकदम बाहर निकल के मेरे पास आ गई। आई वॉज लाइक रियली रियली शॉक्ड व्हाट हैपेंड। जब मैं चीखी तो उन्होंने बहुत ही गंदी वाली गाली मुझे दी। अरे हम जल जाएंगे ना, जल कैसे जाओगे, हम बचाएंगे आपको। जलेगे तो तेरे को हम चिपक जाएंगे, नहीं जलेगा तो। मैं लड़की होती मैं एक उल्टे हाथ का थप्पड़ उसको मार के उसको उसकी औकात दिखा देती। I can't do this. I didn't like it what they said. It was so cheap. Can someone from the crew come? I want to talk. मैं बिल्कुल अकेली थी। There was like no one with me at that moment. Like I know had I been with someone like a man, he would have definitely like protected me and just hit that guy up, yeah. पर बेबी ये जो है आपके लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। कीर्ति मैडम तू कैसे छोड़ेगी ना अपने हस्बैंड को? तेरे को पता है तू कोई ऑफिस में भी जॉब नहीं कर सकती है। ढाबा तो छोड़ दे, बटा ढाबा, मेरी बात मान, जहाँ पे है आराम से रह, खुश रहेगी। यू स्टॉप इट फरा। नो मैम, तेरे को आईना दिखा रही हूँ। जब तक घिसती नहीं ना तब तक घर में पैसा नहीं आता है। I'm phobic, मुझे यहाँ दुख रहा है, I cannot do this बोल के पैसा आ ही नहीं सकता घर के अंदर। She shouldn't leave her husband. She cannot do anything, man. कर ही नहीं सकती। चलो एक काम करो, इधर आओ। Can just convince anyone to come in, right? Sure. साला एक बड़ा सा मॉल है, तुम्हारा एक शोरूम है, स्टाइलिश लॉन्जरी है, अब उसके लिए हॉकर्स की तरह बाहर भेज रही हैं, आइए भैया आइए आइए ले आइए ले आइए, फुटकर रास्ता एकदम सस्ते में, ऐसे बेचना है तो मॉल में क्यों आते, रास्ते में नहीं बेच देते? बट वो लड़के की थिंकिंग। एक्सक्यूज मी मैम, हमारे यहाँ 30% डिस्काउंट चल रहा है, यदि चाहे तो देख सकते हैं एक बार। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेंस और नर्वस थी, बट जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, बात करती गई, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता गया और मैं बहुत आराम से सबसे बात कर रही थी। The size थोड़ा ना ऐसे लेसी में नहीं चाहिए मुझे, okay. प्लेन में चाहिए, प्लेन लाइट पैड, लाइट पैडेड हो या फिर लेस बेस नहीं चाहिए। ओके आपका साइज 32 34 वुड यू लाइक पिंक?
पिंक ट्राई करेंगे आप? दिस इज 36. 36 इज़ वेरी बिग फॉर मी. ओके, आपने कहा 34, 36. 32, 34. अरे 32, सो सॉरी. Hi, we have a sale going on. Would you like to have a look? Okay. Do you want a like a baby doll ones? Do you want a baby doll? Excuse me, ma'am. There's a lingerie store over there. There's a good discount going on. Would you like to go and check once? Thank you. So sorry. हमारे पास नहीं है. I'm sorry. We don't have. Sorry, we. यार आप इतनी बड़ी शॉप लेके बैठे हो और आपके पास इसके मैचिंग की और अदर पैंटीज भी नहीं है. आप अपने डिटेल्स दिखवा दीजिए और हम आपके ऑर्डर पे मंगा देंगे इफ यू वांट. और बट अभी मुझे चाहिए थी ना. I'm sorry. We don't have. हमारे पास सिर्फ रेड वाले थॉंग्स हैं एंड दे वांट फिशनेट्स एंड आई कुड नॉट. मुझे नहीं मिली. तुम्हारी दुकान है, तुम्हें यही दिखाना है ना कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है. दिस इज फॉर 350 और ये 400 की है. डिस्काउंट डू वी हैव एनी डिस्काउंट्स? इस वन नो, वी डोंट हैव डिस्काउंट. सॉरी. आपसे पूछा था, आपने कहा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है. तो डिस्काउंटेड पीस दिखा देते यार, तुम्हें बताया तो था लास्ट वाली लाइन डिस्काउंटेड पीस वाली है. पर उसे डिस्काउंट इस पे चाहिए था. मैम कन्विंस करने की कोशिश तो कर रही हूँ बट नहीं हो पा रही हूँ. लॉन्ड्री हमने सुबह मॉर्निंग में दी थी धोने के लिए, तो उन लोगों ने धोई नहीं. ऊपर से उल्टा जवाब दिया कि अपना फर्नीचर वगैरह पूरा सेट करो और पर्दे वर्दे सब हटाओ. पर ये सब धुलेंगे तभी जब काम करोगे तुम सभी. तो हम एज इट इज़ इतने थके हुए आए थे और उसके बाद हमने ये सारा काम किया वहाँ पर और इसको इधर ले लेते. रुक रुक. अभी उनके पास कुछ होना नहीं चाहिए ना बकवास करने के लिए. आर यू फाइन विद इट नाउ? आई मीन बिकॉज अभी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब लग ही रही है उस चीज़ से. किस चीज़ से? टचिंग इन एवरीथिंग. ऑफ कोर्स आई एम डिस्टर्ब्ड यार. यू सी आई नो बेटर अबाउट दिस वेरी ऑनेस्टली. हाउ डू यू नो? इट हैपेंड टू मी. व्हेन? जब पता नहीं था इन सब के बारे में बहुत कुछ, क्या है क्या नहीं है. ठीक है, आई हैव अ कज़न, ठीक है, हु यूज़ टू यू नो मलेस्ट इन अ वे. मतलब अनवांटेड टच जैसा होता है ना, वो करता था ये सब. मैं थी यार 8-9 साल की थी. एक टाइम आ गया ना कि जब मुझे समझ में आया कि यार दिस इज़ नॉट राइट, ही इज़ अ ब्रदर. तो वहाँ मुझे अकल आ गई थी यार. आई मीन लड़कियों को अकल आ जाती है जल्दी इन चीज़ों के बारे में. हाँ, लड़की तो पैदा होते ही बड़ी हो जाती है. दिस इज़ समथिंग यू नो, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट ऑल दीज टचेज, वो चीज़ एक नॉर्मल भी हो सकती है. आई मीन आई नो यू फेल्ट बैड बिकॉज वी नो कि यार यहाँ पर अगर ऐसे कोई टच कर देगा तो वो बहुत अजीब लगेगा. बट वॉट हैपन्स इज़ कि अगर मैं इससे अभी ऐसे बात कर रही हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, और फिर यूँ करके हाथ अगर वो इस तरीके से ले आया फॉर डूइंग समथिंग एल्स, वो कुछ और भी. जो वो अंकल खड़े थे वहाँ पे बुढ़े से, उन्होंने किया. वो अंकल की बात कर रही हूँ यार. पर यार वो मेरे को नहीं लगता है शक्ल से, तो मुझे भी नहीं लग रहा था. वेन यू ट्राई टू कॉल एवरी वन, ठीक है, ऑन योर माइक, तो उस टाइम पर मैं वहीं खड़ी थी, मैं रोटियों का वेट कर रही थी, बिल्कुल सामने तो खड़ी थी. बट यू हर्ड दैट द सेम गाय अब्यूज्ड, यू नो दैट आल्सो, राइट यार? फॉर देम वी आर गाइस. वो कहाँ से अपनी गाली कंट्रोल करेगा लड़कों के आगे? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? दे आर लाइक दैट ओनली. आई डोंट नो क्या था मैं, इसीलिए यू हैव टू गेट ओवर इट. कीर्ति, यू हैव टू गेट ओवर इट. यू कैन नॉट अब्यूज. यू डोंट केयर. यू कैन नॉट अब्यूज मी. लिसन टू मी. हेलो, इधर आ जा. I'm not just attitude मैं नहीं झेलने वाली. रुक जा यहां से. Do not touch me. Can I have my bag? Shut up. This is I have rights. Can I have my bag? No way. Whatever. Keep my bag. Your employees are not at fault कि अगर आपकी सेल नहीं हो रही. That's your fault. So she started blaming us. वो मुझे बहुत बुरा लगा. ज़्यादा देर नहीं स्टैंड कर पा रहा था. Luckily उसके स्टोर क्लोजिंग का फिर टाइम आ गया. ठीक है यार, बंद करते हैं. अच्छा ऐसे थोड़ा सा अपना भी टेम्पर लो करो और ये एटीट्यूड एक्चुअल में नहीं चलेगा. मैं मानती हूँ मेरी गलती है शायद गुस्से में, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग यार. एंड यू आर गुड, वेल डन टू यू. जो ही जूही बन के कर रहा है और वो मिशन में उसको अप्रिसिएशन भी मिलता है. सो इट वाज वेरी गुड. आई फेल्ट सो गुड अबाउट इट. चलो, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.
वो जो मैम थी उनका तो दिमाग साथ में आसमान में था। होती ना लड़की लोग जब जॉब करने बाहर निकलती हैं तो अपने आप को ज़्यादा ही बॉस समझने लगती हैं। उसने विमेन के सामान की यू कैन नॉट गेट दीस प्रोडक्ट्स ओवर हियर। मुझे जैकी बोल रहा है ही इज थिंकिंग दैट मैंने बताया, जबकि मुझे अपना होश ही नहीं है कि मैंने क्या ऐसा सबसे पहले किया था। फराह ने गेस जो कि सही था, फिर मैंने बताया। उसने इसके अंदर अंडे मिलाए प्रैंक के नाम पे, तो अभी हम भी प्रैंक करेंगे, है ना? टिट फॉर टैट। ये रहा, यही है। ये टॉवल ऐसे उसी का है। ये कौन सा ब्रांड है? बर्बेरी। फर्रा, ये क्या कर रही है तू? उसने मेरा प्रोडक्ट खराब किया। अभी लग गया था। क्या हो गया हमारे घर को? ये तुम लोग ने क्या किया और क्या किया? तुम लोग ये हुई ना बात। कर्टन्स उतरे हुए, काउच दूसरी जगह लगा हुआ है, जो लिस्ट पे हम बता के गए थे वो सब काम उन्होंने कर लिया। तुम बताओ अभी पहले। हम लोग ब्रा और पैंटी बेचते रह गए बस। पूरा मॉल ढूंढ ढूंढ के आए हम लोग यार। मैं तो लॉन्डो को जाके सीधा पूछने लग गया ना। कभी अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए लॉन्जरी खरीदी है? नहीं खरीदे, तो डिस्काउंट चल रहा है, चलो। दुकान में बंदा था, मैंने उसको बुलाया कि सर ले लीजिए अपने वाइफ के लिए, ऑरेंज कलर मिलेगा। सर ये ऑरेंज ही है सर। नहीं नहीं, ये तो रेड हो गया ना। नहीं सर रेड नहीं है, रेड कलर देखिए सामने है ना, वो रेड है। लास्ट में तो टोपी भी मारा कि आज मेरा फर्स्ट डे, आप ले लेंगे तो हम लोग की थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा जॉब को, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा जॉब प्लीज़। तब भी सारा लिया नहीं कुत्ता ने। सो यू गाइस पुट द होल मॉइस्चराइजिंग एंड वो पूरा मेरे कपड़ों के ऊपर ना। यू गाइस यू गाइस हां फरा मजाक करो मजाक करो। सो दैट्स हाउ इट इज, इट्स वॉर देन। It's war now. Yeah? You wrecked all my clothes, you know that. You wrecked all my wardrobe. I'll just tell one thing. My stuff gets I'm gonna drag that person, whosoever it is, from there. Farah, who do you think you are? How the you dare wreck my stuff? You wrecked my clothes, you know that. I won't see मजाक कर रहे हो तो मजाक सहने की ताकत रखो। यदि आपको मजाक सहने की ताकत नहीं है तो मजाक करते क्यों? You know what? Check this. You need to have some goddamn ethics, okay? This woman, mera Burberry ka perfume tod diya, okay? She wrecked my leather jacket. She wrecked my cargo. She wrecked Lord knows kitne kapde. Not nice. There is a way you wreck with my cosmetics. If I dare a prank, you do the same thing. You don't wreck someone's clothes. You do not do that. Prank for a prank, then you do the same thing. You don't wreck someone's wardrobe, man. You wanna see these? Are my cargos. See this? Don't even know the meaning of a prank, man. Supposed to be goddamn funny. But it's okay, you know what? I can wash my clothes, okay? I'll wash my clothes, I'll get new clothes. But now I know what kind of low life a person is. So you wanna tell them what are we gonna do for the next 5 days? Next 5 days, no work. No work. Totally no work. No work. Just in the bed. Aur kuch kaam nahi hai. We got our periods, baby. We got our periods, baby. Aisa kab hua sir? Kya matlab hai? Jab periods hote hain, aurte kaam nahi karti. Ye kaha ka hai? Kaha ka? First 2 days mein. No, I'm sorry, but. Marunge saare ke saare aadmi aa gaye samajh mein. Aisa agar hone lag gaya to. No. Women don't work for the first 1-2 days when they don't have periods. I've been with women all. My mother doesn't work for the first 2 days. So we're not gonna. I need rest today. You live with the entire world, Jackie. You don't know the entire world. Look, I have periods. तेरे हिसाब से थोड़ी होगा। हाँ,
हां सो आई आई हैव क्रैम्प आई नीड टू रेस्ट फॉर 2 डेज ठीक है वो सुन ना हां सो आई हैव टू रेस्ट फॉर 2 डेज जोई यू आई हैव टू रेस्ट बट आई हैव टू डू माय वर्क बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड देम टू वॉश क्लोथ्स मुझे मार्केटिंग जॉब का मिशन मिला मैं रेवंता कंपनी से बात कर रहा हूँ हेलो सर दिस इज कार्तिक आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेवंता मैंने तुम्हारी कॉल सुनी है अभी एक रेपो बिल्डिंग होती है हेलो सर हाउ आर यू डूइंग बेसिक रेपुटेशन जो मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था आज मेरा स्पीड डेट इवेंट था जैकलीन सेक्स इज द ओनली लव यू हैव फॉर योर पार्टनर